आज हम लोग बनाने वाले हैं बिहारी स्टाइल मछली। तो सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके साथ ये सरसों, ग्रीन चिली, मरीच और जीरा लेके उसको अच्छे से पीस लिया है। तब तक मछली को भी धो लेंगे और हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक जो हमने मसाला तैयार किया है उसको अच्छे से मछली को डाल के मछली के ऊपर और अच्छे से मिक्स कर दे ताकि अच्छे से मछली के ऊपर ना ये अप्लाई हो जाए। तो ये मसाला लगाने के बाद हम लोग उसको फ्राई कर लेंगे। तो अभी हमारी मछली फ्राई होके एकदम करारे करारे हो जाएंगी एक साइड से, तो फिर इसको पलट देना है। तो फाइनली थोड़ी सी मछलियाँ फ्राई हो चुकी है, तो अब नेक्स्ट सेशन की बारी है। तो ये मछली तैयार है अब ग्रेवी में डालने के लिए। आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना। तो अब हम मछली को लगाएंगे ग्रेवी। सबसे पहले हमने डाला था सरसों और मेथी, उसके साथ जीरा और ये हरी मिर्च, और हमने जो मसाला रेडी किया था उसमें थोड़े से धनिया पत्ता और टमाटर को ऐड करके सबको ना अच्छे से भून लेंगे। और ये ना मसाला मेरी मम्मा ने खुद से पीस के रेडी किया था, उसमें उन्होंने नमक ऐड किया है, फिर ऊपर से थोड़ा सा ना मिर्ची पाउडर और ये धनिया डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। मसाला जब फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे और ये फ्राई किया हुआ फिश का सारा पीस ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। बट ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते, धनिया पत्ता को डेकोरेट इसलिए किया जाता है ना कि उससे टेस्ट ना बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस हो जाता है। तो आर फिश इज़ रेडी टू ईट। आप लोग ज़रूर बताना कि आपके यहाँ ये सरसों वाली मछली बनाई जाती है कि नहीं। अगर बनती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं बनती तो मेरे रेसिपी से सीख के आप ज़रूर बताना कि कैसा बना था आपका। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जाना।